मुझे भी 2-3 साल हो गए यहाँ आते हुए नमाज पढ़ी। मैं 3 सालों से नमाज पढ़ रहा हूँ जी यहाँ। इतना तो मैंने कभी नॉलेज करने की कोशिश नहीं की क्योंकि लंबा चौड़ा इतना आना जाना हो तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं कि लीगल है इलीगल है। तो इस वक्त हम कसुमटी में जो मस्जिद है उसके बाहर है जिसको लेकर यहाँ विवाद है, और क्योंकि शुक्रवार है, आज जुमे की नमाज है, तो कुछ लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। नमाज पढ़ने आए थे जुमे की? जी सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा खुर्शीद अहमद। खुर्शीद जी कहाँ से आए हैं आप? जे एंड के से हूँ सर। जे एंड के से? तो हर शुक्रवार आते हैं आप यहाँ? जी सर, हर शुक्रवार आते हैं। आज कोई मिला है आपको? सर यहाँ पे ताला लगा हुआ है तो यहाँ पे है ही नहीं कोई। एक्चुअल पता नहीं चाबी किसके पास है। हम तो अंदर पढ़ने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं, बट चाबी पता ही नहीं किसके पास है। यहाँ के लोग कह रहे हैं लीगल है मस्जिद। जी सर। कह रहे हैं अवैध रूप से बनाई गई है मस्जिद, यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं। जी सर, मैं भी कम से कम 12-13 साल से तो यहाँ पे आ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी तक तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं कि लीगल है इलीगल है, तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं सर। आप कहाँ से हैं? कश्मीर से। अभी कश्मीर से? हर शुक्रवार आते हैं जी जी। क्या नाम है आपका? आदल। आदल, आदल ये बताओ कि इस मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि गलत तरीके से बनी है? नहीं सर, गलत तरीके तो है ही नहीं जी। मुझे भी 2-3 साल हो गए यहाँ आते हुए नमाज पढ़ी। मैं 3 सालों से नमाज पढ़ रहा हूँ जी यहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं भाई सब। आपका नाम और कहाँ से आए? रहने वाले तो मेरा तो नाम जरीन शाह है मेरा ना। जरीन, कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ नमाज पढ़ने? ऐसे तो आते रहते हैं जैसा अपना टाइम लगता है उस हिसाब से ना। कौन चलाता है इस मस्जिद में, इमाम कौन है? इतना तो मैंने कभी नॉलेज करने की कोशिश नहीं की क्योंकि लंबा चौड़ा इतना आना जाना होता नहीं। अभी इधर आसपास काम चला हुआ होता है तो अपना फ्राइडे की नमाज अदा करने के लिए आ जाते हैं। कितने लोग आते होंगे? इसका भी नहीं कह सकते क्योंकि क्वांटिटी अब तो कह नहीं सकते। हम तो अपना नमाज पढ़नी है, चले जाना है बस। अपना कहाँ कितनी टिकट से हैं? जी हाँ। आप क्या नाम है? साथ में ये तीनों। क्या नाम है आपका? समद। तो समद, क्या आप क्या करते हैं? कारपेंटर का काम। अच्छा, तो हर शुक्रवार आप भी आ रहे हैं? जी। आपका नाम? मोहम्मद जैद। आप बताओ आप कहाँ से हैं? मेरठ से जी। अच्छा, आप भी मेरठ से। तो कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं शुक्रवार को? सर पता नहीं सर, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, आप पहली बार आए हैं जी। ठीक, तो देखिए शुक्रवार है तो हर शुक्रवार को यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो नमाज अदा करने आते हैं, और आज भी यहाँ पहुँचे हैं लेकिन उनको शायद जानकारी नहीं थी यहाँ पर ताला लगा हुआ। जितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ये हिमाचल प्रदेश से नहीं, कोई जम्मू कश्मीर से है तो कोई मेरठ से है। स्थानीय लोग जैसा कि लोग कह रहे थे कि बहुत कम है, तो वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। मस्जिद फिलहाल बंद है, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो लोग यहाँ पहुँचे थे उनको भी वापस जाना पड़ रहा है। तो मस्जिद चाहे संजौली की हो या कसुमटी की हो, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। और जो लोग आए थे यहाँ, जिनसे हमने बात की है, जो नमाज अदा करने आए थे, उनका यही कहना है कि हर शुक्रवार को यहाँ पे आते थे, कोई कई सालों से आ रहा है, कोई हाल ही में किसी ने आना शुरू किया है। लेकिन एक बात जरूर कॉमन है कि सभी जिन लोगों से हमने बात की वो हिमाचल प्रदेश से नहीं थे, वो बाहर से थे। कसुमटी से वीडियो के साथ मनोज कुमार, टाइम्स ऑफ भारत।